नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर प्राइवेट बाइक टैक्सी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, आप सभी जितने भी बाइक राइडर हैं वो नया कानून आने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज नए कानून के ऊपर मैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आप नए कानून का इंतजार कर रहे हैं कि कब तक नया कानून आएगा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। इसमें आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि नया कानून है जो बाइक टैक्सी राइडरों के लिए जो नया कानून आने वाला है वो कब तक आएगा। जैसा कि आपको पता होगा, परिवहन मंत्री ने एक मैसेज के माध्यम से बताया था कि एग्रीगेटर पॉलिसी हम बहुत जल्द लागू करने वाले हैं। ये पॉलिसी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सभी के लिए होगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। तब से जितने भी बाइक राइडर हैं उनके अंदर काफी ज्यादा खुशी है कि बहुत ही जल्द नया कानून आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, मैं आपको बताता हूं कि क्या ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये नया कानून आने में कितना समय लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार जानकारी से भरपूर वीडियो हमेशा मिलती रहती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा आज की सिचुएशन क्या है दिल्ली की। दोस्तों आपको पता होगा, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, उनको गिरफ्तार कर लिया है। वो क्या सही किया या गलत किया वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन इसके चलते जो दिल्ली सरकार है, जितने भी अधिकारी हैं, सारे उनको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। उनको किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश जारी है। तो जितने भी अधिकारी हैं वो सभी इसी मामले में लगे हुए हैं। इसके कारण ये जो नया कानून आने वाला है, ये जो लोग ये बनाने वाले जो हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, यही लोग नया कानून बनाते हैं। तो दोस्तों सारे तो लग गए अब मनीष सिसोदिया के चक्कर में। तो इस वजह से जो है आने वाला जो नया कानून है वो काफी लेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब कर लेते हैं हम दूसरे पॉइंट की बात। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है, जैसे आपको पता होगा दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, जिसके चलते दिल्ली के अंदर कोई नया कानून बनता है, कोई भी दिल्ली सरकार नया कानून बनाती है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले एलजी साहब को देनी पड़ती है और उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। अगर मान लीजिए दिल्ली सरकार ये नया कानून अपनी कैबिनेट में मीटिंग बुला के या जो भी प्रस्ताव पास भी कर दे, इस कानून को बना भी दे, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार को जो है एलजी साहब की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको पता है, एक तो ये कानून पहले बनाया जाएगा, उसके बाद मीटिंग होगी कैबिनेट में, उसके बाद ये एलजी साहब के पास भेजा जाएगा, फिर एलजी साहब इस फाइल के ऊपर साइन करेंगे, तभी ये कानून बनेगा। और इस सरकारी प्रोसेस में आपको पता है कितना समय लग सकता है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, और चलिए दोस्तों अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए अगर ये कानून बन भी जाता है तो दोस्तों क्या बनते ही आप बाइक राइडिंग शुरू कर देंगे, सवारियों को उठाना शुरू कर देंगे? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। दोस्तों ये कानून बन जाएगा तो जैसा कि आपको पता होगा, एक आर्टिकल में छपा था न्यूज़पेपर में कि कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल एक बाइक जो कमर्शियल बाइक है वो एक सिंगल नहीं खरीद सकता है। कम से कम आपको 5 गाड़ी खरीदनी पड़ेंगी या 5 से अधिक खरीदनी पड़ेंगी। और दूसरा ये कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम 5 जने मिलके एक के नाम से ही 5 गाड़ियां खरीद ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये जो 5 गाड़ियां खरीदेगा जो भी व्यक्ति, उसको प्रॉपर तरीके से एक एग्रीगेटर कंपनी खोलनी पड़ेगी, तभी वो 5 गाड़ियां खरीद सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी गया 5 गाड़ियां खरीद ली और उसको मिल गई, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये कानून बन जाएगा, बनने के बाद जितनी भी एग्रीगेटर कंपनियां हैं वो इस कानून के तहत अपना आवेदन करेंगी, यानी कि अपनी एप्लीकेशन देंगी कि हाँ हम बाइक टैक्सी को अपनी जो कंपनी है उसमें सर्विस देना चाहते हैं, आप हमें लाइसेंस दीजिए। इनको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, जब इन कंपनियों को लाइसेंस मिल जाएगा तब यही कंपनियां जो बाइक राइडर हैं उनको बाइक टैक्सी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इन कंपनियों को ही अधिकार रहेगा बाइक टैक्सी खरीदने का, तो इंडिविजुअल तो कोई खरीद नहीं सकता। तो जब ये कंपनियां कानून बनने के बाद लाइसेंस ले लेंगी, सब कुछ काम कर देंगी, फिर ये अपना एक सिस्टम बनाएंगी कि हम बाइक राइडरों को किस प्रकार से जो बाइक है वो दें, फाइनेंस कैसे होगा, कैसे ट्रांसफर होगी, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये भी तो अपना कोई ना कोई ऐसा नियम कानून बनाएंगी, जिसके चलते मैं सभी भाइयों को कह देता हूं, ये जो कानून है अभी लगभग लगभग 15 दिन से लेके 1 महीने के तक तो मुश्किल आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो इस समय मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया उसमें अभी समय लगेगा, उसके बाद कानून बनेगा, एलजी साहब के पास फाइल जाएगी, फिर वहां से वापस आएगी, फिर इसे लागू किया जाएगा।
फिर कंपनियां अपना काम करेंगी। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो बाइक लगेंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए आप यहाँ तक कि 100% भी हो सकता है कि सभी इलेक्ट्रिक बाइक लगें, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में हो सकता है कि कमर्शियल पर्पस के लिए पेट्रोल की गाड़ियों को लाइसेंस ना मिले। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब बाइक टैक्सी खरीदी जाएगी वो भी इलेक्ट्रिक, तो कंपनियों को भी उसे देने में समय लगेगा। ये तो नहीं है कंपनी ने पहले से इतनी लाखों की संख्या में बना के रखी हो तो उसे भी समय लगेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके चलते अभी फिलहाल समय लग सकता है। तो जितने भी बाइक राइडर हैं मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा, अपना समय बर्बाद ना करें। आप किसी डिलीवरी ऐप में काम कर सकते हैं, चाहे वो पोर्टर हो, अंकल डिलीवरी हो, या फिर अन्य कोई भी डिलीवरी के बहुत सारे ऐप है उसमें काम कर सकते हैं, या फिर आप जोमेटो स्विगी इस तरह की फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही थी मेरी छोटी सी जानकारी, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर तरीके से जो कानून लागू होगा उसमें कितना समय लग सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।